सो ही गाइस वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम होने जा रहे हैं कवर नेदरराइट के अंदर। ऐसा नेदरराइट हम ढूंढेंगे आज, ऐसा ढूंढेंगे कि माइनक्राफ्ट वालों ने सोची ना होगी। पैसा ही पैसा हो गया। हाँ थोड़ा सा मैं भी जो विंडो देखता हूँ पता चल गया होगा आपको। देखती ही मुझे ओ भाई तीर है, मुझे कुछ अजीब सा लगा। और हाँ गाइस ये देखो रक्षाबंधन आया था, कल ही रक्षाबंधन था। और रक्षाबंधन ने डीनो ने क्या बनाया है, लिटरली डीनो भाई ने स्टीव को बनाया और इसको बनाया। ओके ना, हाँ। और सिर पर टीका भी है। डीनो एक बार मेरे को देना अपना उड़ने वाला यंत्र। हाँ तो गाइस अब ये देखो थोड़ा सा देख के समझ गए होंगे कि क्या है ये। ये वन ऑफ द मेरा सीक्रेट बेस है। ये पानी है, जब मैं अगर गुस्से में होता हूँ तो मैं इस पानी में आ जाता हूँ, गर्म हो जाता है जिससे खाना बना लेता हूँ। बस मजाक कर रहा हूँ, तुम सोचा कि कुछ हो रहा है कुछ ऐसे कर रहा है। नहीं नहीं नहीं। और हाँ एक चीज़ और बता दो कि मैं आ सकता हूँ इसमें, पर जाने का रास्ता मेरे पास नहीं ढूंढा। कैसे करते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के जा सकते हैं। हाँ वो कंधे पे आ गया मैं इसके। पानी दिख रहा है मुझे, हाँ ठीक है ये लो फेंक दिया। तो अगर समझ आ गया होगा आपको भी और हमको भी। अब तो डायरेक्ट चलते हैं नेदर के अंदर। अब बहुत हो गई बातें, खाना ले लेते हैं। पर हाँ एक चीज़ और दिखानी है, नेदर के अंदर हम माइंड करने जा रहे हैं तो उसके तो डिस्ट्रक्टिव आइटम लगेगा ही लगेगा। तो हमने क्या करा डीनो और मैंने, एक हमने ना वीडियो देखी थी इसके अंदर मैंने TNT को ना एकदम अनलिमिटेड कर सकता था, अनलिमिटेड बेड तो वैसे ही बना सकते हैं। तो ये देखो डीनो ने और मैंने कुछ 1.5 आवर्स के अंदर अंदर ही इतना सारा कुछ कलेक्ट कर लिया। सामान बहुत ज़्यादा है पर उसको स्टोर करने के लिए हमारे बैकपैक में जगह नहीं है। तो पता होगा कि आपको क्या होने वाला है। अब हम बनाने जा रहे हैं एंडर चेस्ट की। एंडर चेस्ट जो होगा वो सारा सामान हमारा कैद करके अपने पास रख सकता है, वरना इतना सारा सामान बार बार ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से अब तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं एंडर चेस्ट बनाता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने एंडर चेस्ट बना ली, इसके अंदर सारा सामान भी रख लिया। तो अब आती है हमारी पारी नेदर में जाने की। चलो डीनो नेदर में आओ। चलो वो बाद में दिखाएंगे, आ जाओ चलो। अरे शिट मैं वो गोल्ड का नहीं पहन के आया, मेरे पेलते रहेंगे मुझे फिर वो। तुम जाओ गोल्ड पहन कर आ जाऊंगा। अरे क्या हुआ? सामने देखो कौन है। अरे ये सब क्या कर रहे हैं? अरे एक अबे शीप है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें है भी। मैं आया गोल्ड कार में पहन के, ना तो मुझे ले देंगे ये सब। अबे विलेजर भी यहाँ पे देख, आंखें लगा के देखे, आंखें लगा के बैठे हैं हम पे। हाय गोल्ड मेरे ख्याल से थोड़ा होना चाहिए। डीनो को दे देता हूँ अंधाधुंध गोल्ड यार। डी क्या हुआ, मार दिया तुमको? मैंने देख मोनी को उसके उसी देखा।
तो गाइस बस 5 सेकंड का टाइम दो, मैं झट से जाता हूँ गोल्ड कलेक्ट करके, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मुझे, मैंने बोला था 5 सेकंड का टाइम, मिल गया मुझे अपने कासल में से आर्मर, इतना सही सामान रख रखा है। चलो कोई बात नहीं, पहुंच जा। नहीं पहुंचा, पहुंच पहुंच। ठीक है, इट्स ओके, बच गया। अभी मैं जाता डायरेक्ट नीचे। पता नहीं डीनू, मैं तो अभी तक बताऊँ नेदर पोर्टल बनाने के आसपास मैं कभी आने ही नहीं हुआ मेरे यहाँ पे। घास उसका तो काम भी नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पे ढेर सारे लाम, एक लामा है, एक प्यारी सी बिल्लू है और एक और बिल्लू है, तो हम इनको बाहर में रेस्क्यू करने लेके जाएंगे। बस एक बार डीनो भाई का हुआ था यहाँ से ग्लोस्टोन लाने का, उसके बाद से डीनो भाई तो गए नहीं ना, मैं गया। डीनो क्या बोट है भाई यार? अरे आंटी तू मार ले भाई, दो दो घास है मेरे सामने पर, एक भी नहीं मार रही मेरे को यार। मुझे बचपन से वो चीज करनी थी। मार घास आंटी, भाई तो बेइज्जती कर रही है मेरे को देख के, भी नहीं मार रही। अगर तो मोहिनी लाइक पिटने के एक क्रॉस में मार दूंगा ना, ये दोनों मर जाएंगे वरना। अरे ये सब छोड़, आ जा चलो डीनो मेरी तरफ आओ। एक और फिर, एक और फिर यार। गाइस मजाक से हटके यहाँ पे तो कुछ गलत ही हुआ था, इतना हमारा पूरा वो नेदर वाले एरिया पूरा बेकार कर दिया। डर्ट कौन लगाया वहाँ पे ब्रो? मैं तो अभी तक नहीं आया हूँ, तुम ही आए थे ऐसा आखिरी में। ये देखो ये आंटी का मुंह है ना लाल हो चुका, तब भी नहीं फेर रही हमने उसे। अरे उसको छोड़ो। तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा कि हमको वो मिलता है, क्या नाम है, नेदरराइट कहाँ पहुँच। अबे ये मेरे पे फेंके जा रही है वे। अबे यार हम इससे क्या फालतू के लड़ रहे हैं, छोड़ो। तो डीनो भाई आज मेरे तरफ आओ। टॉर्च कौन सा? मेरे तरफ आओ। हाँ मजाक कर रहा था, चलो देखो अब सीरियसली। देखो लावा आ रहा है ऊपर से, लावा को ब्लॉक करो। अब बताओ कि क्या यार, नेदर में सच्ची में तभी नहीं आना चाहता था कभी नेदर में, तो नेदर राइट के लिए आया हूँ बस यहाँ पे। कोई बात नहीं, एक बार नेदर एड मिल जाएगा तो कभी आने का दिक्कत ही नहीं जाएगा। क्या यार, ये सबसे पहले तो आग बंद करो डीनो। उस पर थोड़ा सा है ना क्लिक करके रखो। तो मुझे जितना मेरे को कोऑर्डिनेट पता है 1.16 के अंदर भी मैंने माइन करने के लिए गया था,
तो ये मिलता है हमको 14 पे, कोऑर्डिनेट 14 से 12 के बीच में मिलता है। अभी जब हम 79 पे हैं, ये हमारी एक्चुअल हाइट नहीं है जिनको जितना हमको चाहिए। तो डीनो चलो किधर हो, क्यों भाई अभी मैं नीचे गिर गया। तुम गए? अरे ऐसा करते हैं ना, नीचे से चलते हैं क्योंकि ज़्यादा आसान रहेगा पहुँचना। फैदर फॉलिंग फोर था, बच गया मैं। फिफ्टी थ्री है ब्रो लेवल, जिन से आओ। अरे भाई साहब क्या हुआ, कितना लावा के अंदर था तुम? अरे पूरी नदी है लावा की यहाँ पे। तुम हो गए थे, तुम्हारा कोऑर्डिनेट बता थोड़ा सा। तुम हो कहाँ पे? अरे मैं तो -124 पे हूँ। मेरा नाम लिख रहे ना? नो ब्रो नो। अच्छा तुम ये वाली यहाँ पे हो क्या कहीं? मैं लावा के अंदर नहीं कूदा ब्रो। हाँ ये दिख गया दिख गया दिख गया, तुमको मारने के लिए आ रहे हैं पेगलिंस। चलो आज चलो इधर आओ, इधर 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 देखो 38 पे आ गए हम। यहाँ से ना एक सीढ़ी बना के चलते हैं। चलो अरे तू जा रही? अरे नहीं ऐसे चलते, डायरेक्ट चलते। चलो चौदह पे। लिटरली स्पीकिंग दो जल्दी से मेरा वापस। अरे मेरे पास एक सेकंड यार, गलती से आ गया होगा यार। हाँ टाइम आ गया है अब उसी चीज का जिसको सबको इंतजार था। इसको अंदर रखो, इसको अंदर रखो। अब 14 पे आ गए हैं। नहीं मर गए हम। भट आपसे मिलता हूँ बस। गाइस थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे यहाँ तक पहुँचने में, अपना सारा सामान। इस बार मैं सारा का सारा नया चीज़ बना के लाया हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि पहले वाला सामान मेरा डिस्पोन हो गया और डीनो भाई ने चला भी दिया था थोड़ा सा सामान। तो अब मैं थोड़ा सा प्रिपेयर हो के आऊँ, प्रिपेयर हूँ अभी मैं थोड़ा सा। क्या करना है डीनो, तुम्हारे पास फ्लिंट है, फ्लिंट एंड स्टील है, और 3 नेदरराइट तो यहीं दिख गए मुझे। आज की वीडियो का हमारा गोल पूरी तरह से रहेगा अपने आप को एंचेंट कर लेना है नेदरराइट के अंदर। हाँ एक नेदरराइट आ गया, एशियन डेब्रीज, पर ये भी कुछ ज़्यादा ही नहीं है। एक और मिल गया, इसको भी लेते हैं। ठीक है तुम भी जा सकते हो, कितनी हेल्थ बची तुम्हारी? मैं रीजनरेशन का पोशन पी लिया था। डीनो तुम्हारा फ्लिंट स्टील है? फ्लिंट स्टील मेरे पास एक ही है, मेरा ही है। यार डीनो मुझे भी चाहिए थोड़ा सा, दे दो। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ब्रो? ब्रो मैं जानता हूँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तभी तो मैं मांग रहा हूँ। ऐसा करता हूँ सारा सारा है ना TNT और जितना भी एक्सप्लोजिव सामान है ना सब लेके चलते हैं। वो सिलेक्टर चाहिए होता है यार, शिट मेरा सिलेक्टर्स का बुक तो चला गया, पर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो यहीं पे आना है उनको नेदरराइट फाइंड करने। अच्छा,
डीनो मेरे पास TNT है ना भर भर के हैं ब्रो, मेरे पास TNT बहुत है पर उसके कॉस्ट भी है, एक फ्लिंट एंड स्टील बस। भाई मैं तो अब देखो वो फोड़ूंगा बेड, मैं सीधा सीधा बोलूँ तो मैं नीचे लावा कुछ ज़्यादा ही है, मेरे को आने में दिक्कत हो जाएगा ब्रो। मैंने नहीं मारा यार, लावा बंद कर दो डीनो, डीनो मेरे पास हेल्थ नहीं है। तुम क्या है यार, तुम पागल हो रहे हो, और खाना हेल्थ कुछ नहीं है मेरे पास यार। ओ भाई ये तो ठीक है भाई, ओ भाई मजा ही आ गया भाई। तो वरना एशियन डेवर इसका मल्टीप्लाई होकर मिलता भाई, मैं बहुत ज्यादा पार्कोर खेलने लग गया हूँ आजकल। लावा का एक बार सोर्स बंद कर दूँ ना भाई, इतने रिस्की काम कैसे कर सकता हूँ। चिट 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 बच गया, हाँ बच गया बच गया बच गया। यार डर लग रहा मुझे तो, पता चला मैं किसी बेडरॉक में गिर गया, और डीनो तो मुझे निकालेगा नहीं और फोड़ ही देगा भाई मुझे तो। वो तो कैसे ऐसा करते हैं, डीनो भाई के पास उनका आर्मर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके पास एक बेड फोड़ देते, देखते कितना स्ट्रांग है, कि बेड से बच सकते हैं या नहीं। अरे डीनो भाई तुम्हारा तो इतना बुरा हो रहा है, लगता है मन ट्रबल नहीं चाहते तुम, पूरे फुल नेथराइट में हो। अरे भाई मेरे पे तो अभी भी मेरे पे 10-8 बचे हैं ब्रो, तुम क्या पी के आए हो? तीती तुम इतना ज्यादा कैसे बच रहे हो, वो भी लावा से ब्रो? लावा से तो सबको पता है कि क्या होता है, सबको डर लगता है भाई लावा से। तुम्हारा क्या काम है वो ना, ब्रो मेरी भी किस्मत काफ़ी अच्छी है, आग पे नहीं गिर रहा हूँ, मेरे पास हेल्थ थोड़ी सी है यार। नेदरराइट हमने कितने, 3 नेदरराइट मैंने ढूंढ लिया डीनो, मैंने ढूंढ लिया कौन नेदरराइट, तुमने कितने ढूंढ लिया नेदरराइट डीनो? चार 15 ब्रो, लिटरली 15। तुम इतना अमीर कैसे बन रहे हो भाई? मारो मत, नहीं मार रहा ब्रो, नहीं ब्रो नहीं मार रहा तुमको, बीच में इंटरप्शन हो जाता है सबका। गाइस यू नो व्हाट टाइम इट इज, गया मैं लावा के अंदर ना, देख लो ये देख लो मेरे को। अरे चुप हो जा डीनो, बच जा बे बच जा, पानी वानी दे दो कोई, पिला दो पानी। ये लो पकड़ो तुम, ऐसे नहीं ये लो पकड़ो वरना तुम ऐसे ही मर जाओगे, फायर असिस्टेंट का पोस्ट ले लो एक। ब्रो थैंक यू, अगर कुछ खाना है तो दे दो भाई, मैं आपको चुका दूंगा बाद में। ले लो दे दो खाना, दे दो ब्रो खाना दे दो, फेंको मैं कैच कर लूंगा। लावा में मत फेंक देना, हाँ गोल्ड का ब्लॉक दे दो। चलो क्या था, क्या है क्या है, तुमने दिया क्या भाई मुझे? अरे यार
और ये फूट गया रियल में। तो नकली में फूटता है क्या ब्रेसलेट? अरे मुझे लगा कि वैसे फूट नहीं सकता। अरे लावा वावा में चले जाएगा। अरे मुझे हो और मुझे आ रहा है गुस्सा भाई। अब मैं जाऊंगा फोड़ दूंगा सब कुछ जो दिखेगा सामने। ब्रो मेरे को फोड़ देना बस प्लीज, मुझे एक फ्रू दे दो फ्लिंट एंड स्टील। ठीक है बस एक ग्लास मेरा भी हो ही गया, एक ग्लास का ही मैं पी जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे का रोड बनानी जो इतना कूद रहा हूँ मैं। इधर आके देखो प्लीज प्लीज से नो यस आई सर्वाइव इट। डीनो ने कहाँ तो वह मचा दी। लेट्स सी इट। अरे एशियन डेविल चुरा मत लेना वरना तुमको मारूंगा। ब्रो ढूंढना ब्रो यार तुम मेरे ब्रो ब्रो मैं मेरे को बताता हूँ मैं ढूंढ भी नहीं सकता मेरे पास हार्ट ही नहीं बचे। अरे मैं तो लावा के अंदर नहा रहा हूँ। अरे वो तुम्हारे को पैदाइशी मिला है हमको नहीं मिला। ले देखा ना मारो, मेरा सामान कलेक्ट करके जल्दी से आ जाओ वर्ल्ड के अंदर। मेरे पास चार एप्शन डेब्रीज हैं। तो गाइस तो ऐसा करते हैं जब तक डीनो भाई हमारा सामान लेके आ रहे हैं तब तक हम ये काम करते हैं। मैं मेरे बैग में कुछ नहीं है तुम जल्दी से आ जाओ। तो गाइस अब हमको मिलते हैं जब डीनो भाई सारा सामान कलेक्ट करके मिल जाए हमसे। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ डीनो भाई आप देख सकते हो फुल्ली अपने आर्मर को अनचेक मुझे डैमेज पहुंच रहा है बे। अरे ब्रो मैंने तुमको देखा तुम बार मर रहे तुम्हारे पे आयरन के आर्मर में अच्छे तो थोड़ा सा सामान ले लो मुझसे। मैं कहां से खुशी ओ पुक्की दे रही खुशी हो यार तू मानुष नहीं तू देव मानुष है ब्रो। डीनो भाई तुम देव मानुष हो। 28 तो गाइस डीनो ने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर दिया कि हम उसको चार अच्छे खासे जन्म तक में भी कर सकते उसको। तो कोई बात नहीं डीनो ने हम पे किया है हम भी डीनो को कभी कुछ दे देंगे अपनी तरफ से। डीनो एक बात पूछूं आपने मुझे ना हेलमेट दिया ना मेरी पिकैक्स दी ना कुछ और दिया। पिकैक्स नहीं आई ब्रो मेरी तरफ। मैं कैसा सो उसे सामान उसने सामान मुझे दिया पर मैं उससे और मांग रहा बोल रही और भी दे है क्या दे दो ब्रो दे दो जल्दी दे दो। फायर प्रोटेक्शन नहीं है इसकी सेल्टर की इंप्रेशन टू इसको देंगे भी प्रोटेक्शन फोर शार्पनेस ना सेल्टर ना 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 तुम्हारे पे हेलमेट नहीं आया और बूट्स नहीं आया और साथ साथ वो भी नहीं आया। लेगिंग्स नहीं है ब्रो ना बस एक आर्मरी है पर डायमंड का। ओह थैंक यू
अब ये क्या है, थॉर्न्स, थॉर्न्स तो इसमें चाहिए मुझे, थॉर्न्स 3। 15 मांग रहा है भाई, 9 बजे। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, जो अगली वीडियो स्टार्ट होगी उसके अंदर आप मुझे देखोगे एक अलग ही अवतार में, तो वीडियो का आप वेट करिए, पर हम वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे। और कई साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, क्या बात कर, डीनो में बाबा हेल्थ नहीं है, मैं बाबा मर जाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। गया मैं, तो गाइस बाय बाय।